जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, अपनी प्रतिष्ठा को खुद गमा रहे हैं और गमाए हैं, क्योंकि हमको लगता है जनप्रतिनिधि को भी अपने प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है जो हमको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, अब कैसे कौन उठा ले बैठा ले, हम देखे नहीं किए तो हम कैसे कह दें जो भाई कैसे बैठे हुए थे। आप बेगूसराय में पेप्सी प्लांट बैठे हैं तो हारे को हरी नाम, प्रबंधन को मजबूरी में भी बेगूसराय के बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा। मोदी जी का जलवा के सामने कांग्रेस सर खत्म है, कांग्रेस सर चर्चा करना बेईमानी है। सर आपने कहा मोदी जी के जलवा, लेकिन पांच जो उपचुनाव जो भी हुए वहां पर कहीं बीजेपी नजर नहीं आई। मुकेश सहनी बीजेपी थोड़े हराए है, बीजेपी की अपनी करनी। अच्छा। बिहार के बीजेपी के नेताओं में गुटबाजी के कारण वो चाह सीट हारा, पिट्ठी पर खंजर मारे गए हैं। जो राजनेता है, जो कुर्ताधारी खदवाधारी है, मैंने कहा था आप अपना खुद का चरित्र निर्माण कीजिए, आरी किसी की, भोजन किसी की और खंजर किसी की, ये करैक्टर कभी बेगूसराय की धरती माफ नहीं करता है और ना ही ऊपर वाले माफ करते हैं। इंसान को भगवान घर से माफी मिल जाती है। बेगूसराय में जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि राजनीतिक गर्मी भी बढ़ रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि स्टेटमेंट अजीब से अजीब सोशल मीडिया पर आ रहा है। जैसे हाल ही में पेप्सी प्लांट पर बैठने के प्रक्रिया को, जो एमएलसी जी, पूर्व एमएलसी जी, वो बैठने के प्रक्रिया में थे, उनका बैठने का तरीका को लेकर लोगों ने बहुत टिपा टिप्पणी की। और वही पूर्व में एमएलसी जो बेगूसराय के रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि पेप्सी प्लांट में रोजगार के अवसर होने चाहिए स्थानीय लोगों को। और एक और मुद्दा भी आ रहा है कि कांग्रेस का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है बिहार का, वो अमृता भूषण जी होनी चाहिए जो पूर्व विधायक जी हैं, और साथ में कन्हैया कुमार होना चाहिए। तो ये तीन जो अभी राजनीतिक जो चल रहा है पूरा मुद्दा बेगूसराय में। भाई मैं तो राजनीति करे नहीं छो, हमारा राजनीति से कोसों दूर तक रिश्ता नहीं छो। अब हमें पेप्सी प्लांट उद्घाटन में भाई हम थे नहीं, अब कौन कैसे बैठे हुए थे और हमने वीडियो क्लिप भी नहीं देखा, हम कैसे आपको बताएं जो कौन कैसे बैठे हुए थे, टांग मथा पर था कि मथा टांग पर था, हम तो नहीं देखे। कहा जा रहा था कि जो भैया कमेंट नहीं देंगे, कहा जा रहा था कि स्थानीय जो अभी वर्तमान में विधायक सब हैं, वो लोग जैसे रामरतन जी थोड़ा वरिष्ठ हैं, वो पीछे बैठे हुए थे, और जो अभी वर्तमान में नहीं है वो लोग सबसे आगे बैठे हुए थे। वो हम नहीं जानते हैं, हम एक बात जरूर जानते हैं, जो वर्तमान परिवेश में जो जनप्रतिनिधि है, जो नेता है, अपनी प्रतिष्ठा को खुद गमा रहे हैं और गमाए हैं, क्योंकि हमको लगता है जनप्रतिनिधि को भी अपने प्रोटोकॉल का ज्ञान नहीं है जो हमको क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, इस कारण परेशानी ऐसा हमको महसूस होता है जो प्रोटोकॉल का अनुभव ना पदाधिकारी को है ना माननीय जनप्रतिनिधि को है। अब कैसे कौन उठा ले बैठा ले, हम देखे नहीं किए तो हम कैसे कह दें जो भाई कैसे बैठे हुए। आप क्यों नहीं गए सर, बहुत लोग गए थे, आप नहीं गए पेप्सी प्लांट, पेप्सी प्लांट सर आप नहीं गए उस दिन? हम नहीं थे भाई, हम नहीं थे, जिस कारण हम नहीं जा पाए जो बात है। और दूसरा नंबर आप चर्चा किया जॉब के बारे में, तो जब बेगूसराय में पेप्सी प्लांट बैठे हैं तो हारे को हरी नाम, प्रबंधन को मजबूरी में भी बेगूसराय के बच्चों को रोजगार देना पड़ेगा। यदि प्रबंधन बेगूसराय के बच्चों के साथ सौतेलापन करेगा तो बेगूसराय के बच्चों में वो ताकत है जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष करेंगे और उनकी उनके अधिकार की रक्षा होगी। नंबर तीन की चर्चा आपने किया, भाई कांग्रेस पार्टी समुद्र पार्टी है, किनको अध्यक्ष बनाएगा किनको नहीं बनाएगा इस पर भैया मेरा कोई कमेंट नहीं है। कांग्रेस का तो खटिए खड़ा है, कांग्रेस का खेती अभी कहाँ है वर्तमान समय में, उसका कोई अध्यक्ष बन के क्या करेंगे, खेत में बूट उखा रहे हैं। कांग्रेस का कोई बेस ही नहीं है,
कांग्रेस को पुनः जिंदा करने की जरूरत बिहार और देश के मतदाताओं को महसूस होगी, तभी ये कांग्रेस जिंदा हो पाएगा। नहीं तो वर्तमान परिवेश में राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का प्रनेता कहिए, रक्षक कहिए, नायक कहिए, अभी मोदी जी का जलवा के सामने कांग्रेस सर खत्म है। कांग्रेस सर चर्चा करना बेईमानी है। सर आपने कहा मोदी जी के जलवा, लेकिन पांच जो उपचुनाव जो भी हुए वहां पर कहीं बीजेपी नजर नहीं आई। कहां पांच उपचुनाव हुए अभी जो हाल ही में चुनाव? कहां जैसे आपका बंगाल में हो, यहां पर बोछा, बंगाल में कौन सी चुनाव हुआ? ये जरूरी है जो पूरे देश में आप ही रहेंगे? विपक्ष भी तो लोकतंत्र का श्रृंगार होता है ना, इस बात से मानिएगा ना। हमको भी याद है, आपको भी शायद याद होगा, जो भारतीय जनता पार्टी 2 से शुरुआत किया, आज देखते 300 प्लस है ऑल इंडिया स्तर पर। अरे स्टेट लेवल का चुनाव, पंचायत लेवल का चुनाव और राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में डिफरेंस होते हैं, इस बात को मानना पड़ेगा ना। आपने उपचुनाव की चर्चा कर दिया, कल परसों यूपी चुनाव की चर्चा नहीं किया। यूपी चुनाव में तो बुलडोजर चला दिया मोदी और योगी, इस बात से भी क्यों पीछे हटते हैं? अभी जलवा भारत के लोग को अपने मिट्टी के प्रति बहुत श्रद्धा है, प्रेम है, अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था है, इसलिए अभी उस पर मोदी जी का जलवा बरकरार है। कोई टाइम फीस अभी मुकेश सैनी बहुत खुश नजर आ रहे थे, क्यों? मुकेश सैनी जी बीजेपी को हरा के? मुकेश सहनी बीजेपी थोड़े हराए है, बीजेपी की अपनी करनी। अच्छा। बिहार के बीजेपी के नेताओं में गुटबाजी के कारण बोचहा सीट हारा। मुकेश जी क्या हराएंगे बीजेपी? बहुत खुश नजर आ रहे थे। खुश इसलिए नजर आ रहे थे जब हम कौन हो गए तो अगला अंधा कर दिया। तो भैया आप भी तो कौन होइए न गए, अब आपकी जो खूबसूरती थी वो कनेचा में बदल गया। और ये तो स्पष्ट है, जो जब कोई व्यक्ति किसी पर वार करता है तो वो उसका दोनों आँख जाता है, जो वार करता है, जो डिफेंस लेता है उसको कौन जरूर बना देता है। तो दोनों को वही हाल बोचहा में हुआ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक भैया, MLC चुनाव में रजनीश जी डायरेक्ट जो है जदयू पर हमला कर रहे हैं इंटरव्यू में कह दिया जो पिट्ठी पर खंजर मारे गए हैं, तो कह दिया हमने कोनो। अब तो आप 7 के बाद आप पूछ रहे हो, हम तो कह दिया पिट्ठी पर खंजर मारा गया। अब कौन खंजर मारे नहीं मारे ये बेगूसराय के हर बच्चे को पता है। एक बात समझ लीजिए, जो राजनेता है, जो कुर्ताधारी खदवाधारी है, मैंने कहा था आप अपना खुद का चरित्र निर्माण कीजिए जिससे आपको आत्मसंतुष्टि मिले। गाड़ी किसी की, भोजन किसी की और खंजर किसी की, ये करैक्टर कभी बेगूसराय की धरती माफ नहीं करता है और ना ही ऊपर वाले माफ करते हैं। इंसान को भगवान घर से माफ़ी मिल जाती है, इंसान से भूल हो सकती है, गलती भी हो जाती है तो गॉड माफ कर देते हैं, लेकिन जान के पिट्ठी पर छुरा मारने वाले को गॉड भी माफ़ नहीं करते। हम जिंदा दिल इंसान माफ़ कहाँ से कर पाए। चलिए।